हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम लेके आए हैं अपना बीएससी सेकंड ईयर, जो अपन का सेकंड पेपर चल रहा है यहाँ पे, उसके यूनिट फोर्थ का क्वेश्चन फोर्थ। इसके पहले हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा चुके हैं सेकंड ईयर के, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अपना फोर्थ क्वेश्चन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन फोर्थ है, बीटा गामा फलन संबंध लिखे एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमने बीटा फलन आप लोगों के लिए बता दिया है कि बीटा फलन क्या होता है, और गामा फलन भी हम बता चुके हैं, जो इसकी जस्ट पहले वाली वीडियोस में हमने गामा फलन भी बताया हुआ है। ये है अपना गामा फलन। गामा फलन होता है गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स डीएक्स। ये होता है अपना गामा फलन। और बीटा फलन होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन बीटा एम एन, इंटीग्रेशन जीरो टू वन होता है, और एक्स रेस टू दी पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये होता अपना बीटा फलन और ये गामा फलन। ये आप लोग के लिए याद होना चाहिए, क्योंकि जो ये अपना चैप्टर है इसमें अपन को बीटा गामा फलन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन है, बीटा गामा फलन संबंध लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अथवा हमें अपना क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है अपना ये क्वेश्चन। अब देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन बीटा फलन लिख लेते हैं कि बीटा फलन क्या होता है। बीटा फलन से बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स रेस टू दी पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ये होता है अपना बीटा फलन। तो और इसका अपन ने त्रिकोणमितीय जो रूप निकाला था वो भी अपन के बीटा एम एन बराबर होता है। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे बीटा एम एन इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन त्रिकोणमितीय रूप लिखेंगे इसका, तो टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, ये अपन का त्रिकोणमितीय रूप होता है इसका। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, साइन एम रेस टू दी पावर एन एम माइनस वन थीटा इंटू कॉस टू एम माइनस वन थीटा। ठीक है, इंटू कॉस रेस टू दी पावर टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा। ये होता है अपना का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला। ये आप लोग के लिए पता है, ये तो याद ही है और ये भी अपन को याद रखना है। तो अब इसी से अपन ये वाला फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, यानी बीटा गामा फलन संबंध निकालेंगे। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है अपना, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, चूंकि इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू साइन एम थीटा इंटू कॉस एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है अपना गामा एम प्लस वन बाई टू। ये फॉर्मूला है, आप लोग के लिए याद रखना है। ठीक है, एन प्लस वन बाई टू अपॉन इंटू टू टू इंटू गामा एम प्लस एन प्लस टू अपॉन टू। ये फॉर्मूला आप लोग के लिए याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाएंगे। देखो m के स्थान पे अपन क्या लिख देंगे, टू एम माइनस वन, और n के स्थान पे टू एन माइनस वन, और अपना जीरो से पाई बाई टू लिमिट भी है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, अपना टू इंटू में चल ही रहा है, लगाते हैं गामा, यानी m की वैल्यू अपनी क्या है यहाँ पे, टू एम माइनस वन, तो गामा टू एम माइनस वन और अपना प्लस वन अपॉन टू इंटू n की वैल्यू क्या है अपनी, टू एन माइनस वन, तो टू एन माइनस वन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, इतना है समझ में। अब अपन को नीचे करना है टू इंटू गामा एम प्लस एन, यानी एम की वैल्यू अपनी क्या है, टू एम माइनस वन प्लस एन, एन की वैल्यू अपनी टू एन माइनस वन, और प्लस अपन को टू करना है। ठीक है, अपॉन में अपना क्या चल रहा है, टू। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ से अपन टू से टू कैंसिल कर देते हैं। अब देखो जो जो कुछ अपन का यहाँ पे बच रहा है, टू एम माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, अपॉन में टू एम बाई टू गामा टू एन बाई टू बचेगा। ठीक है, अपॉन में अपना जो कुछ बच रहा है वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से माइनस वन माइनस वन माइनस टू और प्लस टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपना क्या बचा नीचे, टू एम प्लस टू एन बाई टू, ये भी अपन का गामा के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब देखो टू से टू कैंसिल यहाँ से, यहाँ से भी, तो अपना क्या बचा, गामा एम इंटू गामा एन ऊपर बचा, और नीचे अपन का टू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एम प्लस एन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, यहाँ पे अपना क्या आया, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। यही अपन को सिद्ध करना था, ये अपना बीटा एम एन, ये कहलाता है अपना बीटा गामा संबंध।
ठीक है। तो यहाँ पे अपन का ये प्रूव्ड हो गया, और जैसे अपन को मतलब संबंध बताना था तो ये अपना आंसर हो जाएगा, और जैसे प्रूव करना था अपना ये प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड दैट। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब देखो, अब जो अपना अगला क्वेश्चन रहेगा इसी में, तो अपन उसमें बताएंगे गामा फलन के आधार पे क्वेश्चन अपन को कैसे सिद्ध करना है। देखो तो जैसे अपन का ये क्वेश्चन है प्रूव दैट गामा वन इज इक्वल टू वन, अपन को ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए अपन को गामा फलन से करना है सॉल्व, ये गामा फलन के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए गामा फलन पता होना चाहिए कि गामा फलन क्या होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट गामा फलन लिखते हैं। वी नो दैट गामा एन इज इक्वल टू होता है अपना इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है अपना गामा फलन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखो गामा वन गामा एन, एन के स्थान में अपन क्या रखेंगे वन, क्योंकि अपन को गामा वन की वैल्यू चाहिए, अपन का गामा एन का है फॉर्मूला। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पुटिंग एन इज इक्वल टू वन, यानी अपन को क्योंकि गामा वन चाहिए, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं गामा वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू दी पावर वन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, एन के स्थान पे अपन ने वन रख दिया, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ही चलेगा। अब देखो एक्स के ऊपर वन माइनस वन यानी जीरो की पावर, यानी वन आएगा यहाँ पे। ठीक है, वन इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा अपना ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स ही आएगा, और अपना माइनस एक्स का पुनः होगा तो अपना माइनस बाहर आ जाएगा, और अपनी लिमिट जीरो से इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, रखते हैं लिमिट्स, माइनस अपना बाहर ही रहने देते हैं। सबसे पहले ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू दी पावर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और इसकी हो जाएगी माइनस वन, क्योंकि किसी के भी पावर जीरो की पावर है तो उसका उसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना वन आ जाएगा। ये हो गया अपन का सिद्ध। ठीक है, तो अपना गामा वन इज इक्वल टू वन प्रूव्ड दैट। इस प्रकार अपन को और भी क्वेश्चन सॉल्व करने गामा फलन के आधार पर, जो हम अगली वीडियो में आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और बीएससी सेकंड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाई यूनिट, और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आप लोग सभी एक बार अपने अपने से सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोग से बन जाए। और हर वीडियो के आप लोग के लिए एंड तक बने रहना है। जब तक आप लोग एंड तक वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोग के डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे, और कहीं भी आप लोग के लिए डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।